हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ उमेश अरोड़ा फ्रॉम कैट कैम सॉल्यूशन मेरठ। और आप लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि इसका सर कोड एक्सेस पे इसका कंप्लीट ट्यूटोरियल बनाइए। तो इसके लिए ये सब हमारे पास है, लेकिन मैं एक नया लेता हूँ वर्डप्रेस। हम इसी को ही रखते हैं और क्रिएट ज्योमेट्री में जाके एक नया में यहाँ से G55 ओके इसे ऐड कर लेता हूँ। और अब जो मेरा प्रोग्राम बनेगा वो इसके अंदर ही बनेगा। और इसे प्लेसमेंट इसका कहाँ रखना चाहते हैं ओके तो G54 और ये G55 वाला अब जो है वो इसमें आएगा और इसके अंदर वर्क पीस भी आ रहा है। तो आप चाहें तो इसे डिफाइन कर लेते हैं। वर्क पीस ये है और ब्लैंक थोड़ा सा गड़बड़ आ रहा है, तो इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। ऊपर वाला ब्लैंक ही ये यहाँ से रिट्राइव कर लेगा, तो ब्लैंक मैं नहीं ले रहा। और यहाँ पे इधर आते हैं और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको असेंबली मिलेगी। ये मेरे पास मशीन थी और ये हमारा पार्ट है। और इसको चाहेंगे तो यहाँ से ये टेबल भी इसकी यहाँ से आप रिमूव कर सकते हैं। खैर, इसको हम रख लेते हैं, इसे मैं डिलीट नहीं कर रहा हूँ। और यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे जाने के बाद सबसे पहले यहाँ से क्रिएट ऑपरेशन में जाएंगे। और क्रिएट ऑपरेशन में जो लेने वाले हैं वो प्लानर में लिंक लूँगा और प्लानर लिंक से जो फेसेस हैं इनको क्लीन करेंगे। तो यहाँ से किस में प्रोग्राम जाना चाहिए वो मैं यहाँ से लेता हूँ एनसी प्रोग्राम के अंदर। और टूल कौन सा लेना है, एंडविल 8 वर्कपीस नहीं G55। और रफिंग कर रहे हैं, फिनिश कर रहे हैं, सेमी फिनिश कर रहे हैं, ये सब आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो मैं रफिंग ले लेता हूँ या फिनिश ही लेते हैं, चलिए ओके। और यहाँ से आके सबसे पहले मैं इधर लेता हूँ इस वाले पीस को, ये कटिंग पीस हो गया मेरा। वॉल की हमें रिक्वायरमेंट है नहीं। और ये हमारा फ्लोर ठीक है। और जिग पैटर्न में या जिग जैग कौन से पैटर्न में काटना चाहते हैं, थिकनेस और बस जनरेट कर देते हैं, ये आ गया ओके करते हैं। और इसको मैं वेरीफाई में जाके, तो टूल जो है काफ़ी छोटा है तो टूल को मैं चेंज कर लेता हूँ, मेरे पास यहाँ पे बड़ा भी है। तो टूल में जाके यहाँ से चेंज कर लेते हैं, 40 का इंसर्ट कटर है, इसमें इंसर्ट लगे हुए हैं तो ये। और यहाँ से वेरीफाई ओके और ओके। अब नेक्स्ट पेज पे चाहिए मुझे इस वाले पेज पे, तो इसी को ही कॉपी और इसके अंदर पेस्ट डबल क्लिक करते हैं। और सिर्फ पेज को जो है वो एडिट कर दीजिए, ये नहीं चाहिए, पेजेस पर ये है ओके। और जो टूल है वो ऑटोमेटिकली यहाँ से ले लेगा नॉर्मल टू फर्स्ट पेज, और फर्स्ट पेज हमारा इधर वाला है ओके। फिर से पेस्ट G55 पर राइट क्लिक करेंगे तो पेस्ट इनसाइड आएगा। और डबल क्लिक ये हटा देते हैं और ये थर्ड वाला फेस, बाकी सब कुछ सेम। जनरेट ओके और इधर घुमा लेते हैं, फिर से पेस्ट डबल क्लिक एडिट और ये ओके जनरेट ओके। फिर से आप इसका नाम चेंज करना चाहते हैं नाम चेंज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम ओके जनरेट क्लोज। और एक बार और है पेस्ट और कटिंग इस वाले पेज पे जनरेट ओके। तो ये सारे मैंने जनरेट कर दिए हैं पेज। एक ये वाला पेज भी बचा हुआ है, इसको भी ले लेते हैं और पेस्ट इनसाइड पेज रिमूव। और ये वाला पेज है
और जनरेट। ओके, और इन सब को मैं सिलेक्ट करता हूँ सिमुलेशन में। ओके, तो ये तो ठीक लग रहा है। अब क्रिएट ऑपरेशन में जाते हैं और यहाँ से मिल कंट्रोल ले लेते हैं, और मिल कंट्रोल के अंदर है कैविटी मिल, तो कैविटी मिल को लेता हूँ और टूल 10 का एंड मिल ले लेते हैं G55 के अंदर, फिनिश रफ जो भी रखना है तो इस बार रफ ले लेते हैं, और कट एरिया सिंगल फेस की जगह आप टेंजेंशियल फेस ले लीजिएगा, पूरा आ गया। ओके, रफ 0.2 का स्टॉक बचना चाहिए, फॉलो पार्ट टूल एक्सेस जेड है, इस जेड को मैं सिलेक्ट स्पेसिफाई वेक्टर कर देता हूँ, और वेक्टर में भी यहाँ से कर देते हैं नॉर्मल टू फेस, और फेस है ये। ओके, तो इसको टेंजेंट की जगह आप नॉर्मल सिंपल भी रख सकते हैं, और 50%, और इसको मैं ले लेता हूँ अभी अभी के केस में 1 रख लेते हैं, अदरवाइज हमें लेना तो कमी है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी का काम हमारा इससे चल सकता है। सेम ऐसा ही मुझे अपोजिट साइड भी चाहिए, तो इसे मैं कॉपी करता हूँ और पेस्ट इनसाइड, और इसे कट को चेंज कर लेते हैं, सिंगल फेस की जगह टेंजेंशियल फेस। ओके, और वेक्टर वेक्टर को सिंगल फेस और इस फेस के अबाउट, तो वेक्टर कहाँ जा रहा है, वेक्टर कहीं और जा रहा है, तो इसे पहले रिमूव करते हैं, और अब इधर वाला फेस, तो वेक्टर हमारा ठीक आ गया। फॉलो पार्ट 50% स्टेप ओवर है, और 1 का डेप्थ ऑफ कट है, और क्लोज, तो इन दोनों को भी देख लेते हैं एक बार, दोनों को सिलेक्ट किया, वेरीफाई। ओके, तो ऊपर का ये मैंने कट कर दिया है। अब एक काम करते हैं, जो कैविटी किया है उस कैविटी के चारों तरफ हम एक प्रोफाइल यूज़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप यहाँ से जाएं, और यहाँ से हमें लेना है प्लानर प्रोफाइल, प्लानर प्रोफाइल लेते हैं, और टूल छोटा ले लेता हूँ मैं, पहले 10 का यूज़ करता था, 8 का, और इसको फिनिश रखेंगे, और बाउंड्री कर्व हमारा ओके, ये बाउंड्री कर्व आ गया, और टूल जो है आउटसाइड आ रहा, आप इनसाइड कर दीजिए, अंदर की तरफ आना चाहिए, और फ्लोर है हमारा ये, टूल जेड आ रहा है जो कि नॉर्मल टू फ्लोर कर देते हैं, नॉर्मल टू फ्लोर फेस इसके नॉर्मल हो जाएगा, और फीड ज़्यादा कर लेते हैं, डेप्थ 1 और जनरेट। ओके, तो ये प्रोफाइलिंग हो जाएगी इसके चारों तरफ ही घूमेगा सिर्फ। ओके, और सेम मुझे अपोजिट साइड पे चाहिए, तो फिर से इसे कॉपी करते हैं और पेस्ट, और पेस्ट इनसाइड करने के बाद ये जो कर्व है ये चेंज हो जाएगा, इसे डिलीट करिए, और फेस की जगह फिर से कर्व, टेंजेंशियल कर्व, और टूल अंदर की तरफ साइड है, ये डॉट है, ये टूल शो कर रहा है, टूल इनसाइड या आउटसाइड कहाँ पर आपको रखना है, और फ्लोर ये भी हमारा नहीं है, तो फ्लोर इसको डी सिलेक्ट करते हैं, और इस बार फ्लोर हमारा ये है, इसको सिलेक्ट करते हैं, और टूल एक्सेस नॉर्मल टू फ्लोर फेस, ये वाले फेस के नॉर्मल हो जाएगा, और बाकी सब चीज़ जो हमने ली थी वो सेम, और ओके। अब हमारा बचा है ये वाले फेस पे। ओके, अगर आप पहले चाहते हैं एक बार इसे सिमुलेट करके देखना, तो मैं मशीन को शो करा देता हूँ, और जो अब हमने प्रोग्राम बनाया है इस पूरे प्रोग्राम को सिलेक्ट करेंगे, और मशीन में सिमुलेट करते हैं टूल पाथ के साथ, और ये हमारा कोऑर्डिनेट ए एक्सिस,
देखिए ए एक्स हमारा चेंज हो रहा है और कटिंग हो रही है। सो क्लोज करते हैं और इसे भी क्लोज करते हैं और मशीन को मैं अभी हटा देता हूँ और एक जो बचा हुआ है उसके लिए ऑपरेशन लेते हैं। यहाँ से जाएंगे और फ्लोर एंड वॉल ये ऑपरेशन लेते हैं और टूल सबसे छोटा वाला 1.5 का ओके और इसे जूम करिए तो आपको जो बॉटम है वो शो हो जाएगा। तो क्लिक करते हैं फर्स्ट ऐड सेकंड ऐड बॉटम वाला पीस आपको सिलेक्ट करना है और ओके और इसके अंदर ऑटोमेटिक वॉल सिलेक्ट कर लीजिए। टूल एक्सेस नॉर्मल टू पीस ये ठीक है और इसे आप वॉल ले लीजिए। वॉल के अलॉन्ग जिग या जिग जैक या आप प्रोफाइल लेना चाहते हैं प्रोफाइल ले सकते हैं फॉलो पैराफेरी की तरह भी ले सकते हैं और लेबल डेप्थ ऑफ कट 1 और जनरेट और वाइट है। एक बार देखते हैं कैसे जनरेट वाइट उन पर ओके और क्लोज इसे भी चाहेंगे तो ये भी वेरीफाई हो सकता है। एक बार देखते हैं कि वेरिफिकेशन में 3D डायनेमिक में ये शो करता है कि नहीं करता। जो IPW है वो प्रॉपरली नहीं है तो अपडेट नाउ ओके ये पहले ही कटिंग शो कर रहा है क्योंकि ऊपर वाले ऑपरेशन हैं उनकी वजह से तो इसे ओके करते हैं और इस वाले को मैं फिलहाल के लिए डिलीट करता हूँ और यहाँ से यहाँ तक जो है ये पूरा मैंने सेलेक्ट किया और वेरीफाई स्पीड थोड़ी स्लो कर लेते हैं और फिर प्ले करेंगे। ओके और यही वाला मैं आपको मशीन पे भी 3D में दिखा सकता हूँ। सब सिलेक्ट करके मशीन के सिमुलेशन में जाएंगे और मशीन को ऑन करते हैं और शो टूल पाथ की जगह मटेरियल रिमूवल ले लेते हैं और फिर आप इसे प्ले करिएगा।